अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे। और आज हम बना रहे हैं आलू चौलाई। और हाँ, मम्मा बना रही है ना। हाँ, मम्मा बना रही है आलू और चौलाई, जो कि मेरी फेवरेट है। तो चलते हैं किचन में। मम्मा ने ऑयल डाला है इसके अंदर, और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, गोल लाल मिर्चे, ये सब ऐड कर दिए। तेल में फ्राई हो रही है ताकि अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। कुटी हुई मिर्चे 1 टीस्पून, और नमक पहले ही ऐड कर दिया था इसमें 1 टीस्पून। अब इसमें आलू डालें, ये भी साथ साथ फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। तो आज बन रहा है आलू और चौलाई। बहुत ज़बरदस्त थी ये डिश है, आप लोग भी ट्राई किएगा। और बारिश का मौसम हो रहा है तो ऑब्वियसली, और एक तो हमारे यहाँ लाइट भी गई हुई है, लोड शेडिंग का ना कोई प्रॉब्लम है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी बारिश को एंजॉय करेंगे। तो अभी इसमें चौलाई हमने ऐड कर दिए। ओहो, लाइट भी आ गई है लाइट भी आ गई है। बारिश में चौलाई की सब्जी ज़बरदस्त, क्या कहने, बहुत टेस्टी बनती है ये। स्पाइसी बनाना ना। और इसमें पानी तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि आलू जो है पहले फ्राई कर लिए थे, और चौलाई का अपना भी इसमें पानी होता है, हमने अच्छे से उसको वॉश कर लिया था। तो 5 से 7 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे। तो हो गई, इसमें लग गई है माशाल्लाह, ज़बरदस्त चौलाई और आलू रेडी हो चुके हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है, क्योंकि मक्खन से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है।